अस्सलाम वालेकुम डियर CSS एस्पायरेंट्स, आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि वर्ड क्राइसिस अगर कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाए, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, कोई भी और सब्जेक्ट हो, वहाँ पे क्राइसिस लिखा हुआ आ जाए, सच एज वाटर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, क्राइसिस पर्टेनिंग टू ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह, तो हमेशा आपने जब भी अपने नोट्स बनाने हैं या थीसिस स्टेटमेंट बनानी है ऐसे ऐसे की, तो आपने हमेशा तीन डायमेंशन से उसको अप्रोच करना है, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल एनर्जी क्राइसिस आ गया या लेट्स से वाटर क्राइसिस आ गया, तो आप सिंपल लिख सकते हैं जी के मल्टीपल फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द अनप्रेसिडेंटेड वाटर क्राइसिस बीइंग फेस्ड बाय आवर कंट्री व्हिच हैव लेड टू सेवरल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हाउएवर स्टेप्स कैन बी टेकन टू इरेडिकेट दिस क्राइसिस या टू इफेक्टिवली डील विद दिस क्राइसिस। सिंपल आपकी थीसिस स्टेटमेंट बन गई, उसके तीनों डायमेंशंस कवर हो गए और आप इसमें फिर आउटलाइन में और आगे ऐसे में जितना मर्जी है फिर लिखें, आपने तीनों बेसिस कवर कर ली। इसी तरीके से नोट्स बनाते हुए भी आप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। सो जस्ट टू सम अप, जब भी क्राइसिस का वर्ड आ जाए तो तीन कौन सी डायमेंशंस, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस।